हेलो, वेलकम बैक अगेन टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज हम जो है आपके लिए कोर न्यू रेजिडेंशियल जो हाउस प्लान है वो आपको शेयर करते हैं। तो इसका जो फ्रंट है वो है 30 फीट और जो इसकी डेप्थ है वो है 50 फीट। इसमें जो है आपको टू साइड रोड मिलता है, एक 30 फीट की तरफ और जो है आपका राइट साइड में 50 फीट की तरफ। इसकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो इसमें दो बेडरूम आएंगे, एक कॉमन टॉयलेट, एक WC, एक किचन, एक आपका ड्राइंग रूम और फ्रंट में ओपन स्पेस और बाहर से आपकी स्टेयर केस प्लस आपका एक कार पार्किंग स्पेस। तो इसकी ये तो हो गई है रिक्वायरमेंट। अब जो है इसकी डिटेलिंग जो है, जो इसके साइजेस हैं और जो इसकी प्लानिंग लेआउट है वो हम आपको शेयर करते हैं। राइट साइड से जो है इसमें हमारा मेन गेट आएगा, ये एंट्री आएगी 12 फीट 9 इंच बाई 16 फीट 6 इंच का। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोर्च में यूज़ होगा। और इसी के साथ जो है लेफ्ट साइड में फ्रंट में 5 फीट 3 इंच का जो ये स्पेस है ये हमारा पूरा ही ओपन रहेगा, वेंटिलेशन के लिए भी प्लस प्लांटेशन के लिए भी। इसमें जो एंट्री रहेंगी वो दो रहेंगी, एक हमारी ड्राइंग रूम से और दूसरी हमारी मेन एंट्री। तो पहले हम ड्राइंग रूम से चलते हैं। ये हमारा डोर आएगा और इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ रहेगा वो 15x17 फीट रहेगा। इसमें जो सीटिंग लेआउट रहेगा वो आपके एल शेप में प्लस ये आपके लिए यू शेप में जो है आपका सीटिंग रहेगी और फ्रंट में आपका LCD यूनिट आ जाएगी। इसी ड्राइंग रूम से एक और डोर खुलता है आपका जो आपको लोबी में लेके जाता है। प्लस ये तो हो गया हमारा ड्राइंग रूम से एंट्रेंस। देन पोर्च से ही आप पोर्च से आते हैं तो आपको फ्रंट में ही स्टेयरकेस मिल जाता है। इसका फ़ायदा आपको जब होगा, अगर आप जो है ऊपर का पोर्शन रेंट पे देना चाहते हैं तो आपका स्टेयरकेस वो रेंटेड जो है वो बाहर से बाहर ही यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा 3.5 फीट का जो डोर आएगा ये फ्रंट में आएगा और ये आपको डोर जो है एसएस देता है लोबी में। 16x12 फीट की आपको ये लोबी मिलती है और इस लोबी से एक तो आपका WC कनेक्ट है। इसका साइज़ आपका 4x3.5 फीट है और इसका वेंटिलेशन बाहर रोड से हो रहा है। साथ ही आपका जो है 2.5 फीट का ये डोर आएगा और 4x8.5 का ये आपका बाथरूम है और इसका भी वेंटिलेशन साइड में रोड से होगा। और इसमें क्योंकि 2 BHK सेट है तो एक बेडरूम ये आ गया आपका, अप्रोक्स 14x12 का ये बेडरूम होगा। और बैक वॉल पर इसका बेड आएगा और फ्रंट में इसकी LCD यूनिट आएगी और राइट साइड में जो है हमारी विंडो जिसका वेंटिलेशन भी रोड से हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में जो हमारा सेम 14x12 का बेडरूम आएगा, बैक साइड में जो हमारा बेड आएगा और फ्रंट में ये LCD यूनिट और साथ ही विंडो। तो दोनों बेडरूम हो गए हैं प्लस किचन की रिक्वायरमेंट जो हमारी रहती है। तो लोबी से ही हमारा एक डोर आएगा 3 फीट का, तो 7.5x12 फीट का हमारा एक किचन एरिया आ जाएगा। इसमें हम यहाँ पे विंडो खोल सकते हैं लोबी के लिए। तो ये हो गई है हमारी रिक्वायरमेंट फुल। आपका भी अगर इसी तरीके से कुछ प्लान है तो आप इससे रेफरेंस लीजिए और जो है आपकी अगर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे और अपने लिए भी आप जो है फ्लोर प्लान और डिज़ाइनिंग वगैरह बनवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट। टेक केयर, बाय बाय।